जवानी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होते हैं। यही वो उम्र है जब आदमी का हौसला बुलंद व बाला, हिम्मत मजबूत और इरादे तबन्ना होते हैं। इसकी बाजों में कुवत, आंखों में चमक होते हैं। वो अपनी राशि की हर रुकावट को टुकर मारकर गुजरता है। लिहाजा इस जमाने की कदर कीमत से आगाह होना और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना ही किसी फर्द या कौम की तरक्की का पैमाना होता है। जनाबी सदर, नौजवान मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं। वो तामीरी मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं और अपने अजम व हिम्मत से मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन कर सकते हैं। लिहाजा उनको जरूरी है कि मामलात को संजीदगी से लिया जाए और फिर अपनी नाकाबिली शिकस्त इरादों को अमली जामा पहनाया जाए। अगर रविया ऐसा हो तो इम्कानात खुद बहुत कोसे चले जाते हैं। मैं जिस मौजू पर लफ्जुशाई करने का मौका मिला है वो है हकीकत बयान करो तो सियासत है। समीरी गिरामी, हमारे वतनी अजीज में बिलआमूम और गिरद नवाह में बिलहसूस बदगुमानी की एक फजा बनी हुई है कि जो कोई हकीकत बयान करता है, हक की आवाज उठाता है, कौम और इलाके की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करता है तो नाहल मुतासब और कटन जहन वाले लोग इन पर एक थप्पड़ लगाता है कि फला शख्स तो सियासत कर रहा है। लेकिन आज मैं सियासत छोड़कर हकीकत पर मुबनी और आंखों से देखे गए वाकयात एक तकरीर की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, किसी पार्टी का रहनुमा नहीं हूँ, किसी कौमी या सूबाई असेंबली का उम्मीदवार नहीं हूँ, बल्कि मैं इन्हीं कंडर कंडर इलाके का एक तलीब इलम हूँ जिसको खुदा ताला ने वो तमाम जलवे अता किए हैं जो दूसरे इलाके से महरूम है। अगर हम निगाह उठाए तो चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ों का एक अजीब मंजर नजर आ रहा है। सदाबहार दरख्तों का एक खूबसूरत नजारा निगाहों के सामने पेश हो रहे हैं। पहाड़ों के बीच में से साफ और शफाफ पानी के चश्मे बहते हुए नजर आते हैं। ठंडे और खुशबूदार हवाएं चलती है। नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बड़ी दर्द से इस बात को बयान कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ दो चीजों की बहुत बड़ी कमी है। पहले नौजवानों, मर्दों, बूढ़ों, औरतों में पॉजिटिव यानी मजबूत सोच की कमी है और दूसरी हुक्मरानों की अदम तवज्जो के सब इंसानी हकूक पामाल हो जाते हैं। अगर एक तरफ हम नजर करके तो रोजाना अखबार में एक नए मोटरवे बनाने की खबर मिलती है और दूसरी तरफ तरक्की की इस जदीद दौर में आज भी हम मीलों मील दूर और हमारे माएँ और बहनें सरों पर सामान रखकर मुंतकिल करते हैं। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल नहीं, अगर है भी तो स्टाफ नहीं है और इन्हें हुक्मरानों के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में सबक पढ़ने जाते हैं और फिर यही हुक्मरान जलसों और जुलूसों में खड़े होकर बड़ी जज्बाती अंदाज में तकरीरें कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत तलीम को वलियत देती है, हमारी हुकूमत की पॉलिसियों में तलीम सरपरस्त है। पहले दो तीन माह में तो निसाब नहीं मिलती, जब निसाब मिल जाए तो उस्ताद मुख्तरम गायब हो जाता है। प्रोफेसर सब जब अपने कामों से फारिग होकर स्कूल को आए सब जब अपने कामों से पैर होकर स्कूल को आए एक माह पढ़ाई के बाद गर्मियों की छुट्टियां होती है, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती है मौसम खजान और मौसम बाहर की छुट्टियां शुरू होती है, ये छुट्टियां खत्म होती है मौसम शर्मा की छुट्टियां शुरू होती है। इन छुट्टियों छुट्टियों में सारा साल जाया हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आखिरकार पढ़ाई कब की जाएंगी, जनाबी वाला कब की जाएंगी पढ़ाई। تنگی گلونا در زکت اسلام او در پختورم گونه یو دی پیچوکی نکم سشتا نشملا نگیره برید پیچوکی نکم سشتا نشملا نگیره برید درس او شود پیغلو او ظلمورم گونه یو دی زماد وطن خلقی تمیز کوری نشی زما د وطن خلک تمیز کولی نشي دا ځینې رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې زیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي
वाजत सामीन, अगर हालात पर नजर दौड़ाया जाए तो हम बाकी मंदा इलाकों से बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि ना हमारे इलाके में तालीम व सेहत का बेहतर इंतजाम है और ना हुई और ना कोई और सहूलियात, और तो और हमारे इलाके में ना बचली है, ना पुख्ता सड़के है और ना ही पानी की पानी का कोई पूरा इंतजाम है। हम आज भी पत्थर के जमाने के दौर से गुजर रहे हैं, आखिर ऐसा कब तक होगा? अगर हम जाकर किसी मंजर के तलाश में ना निकल गई तो तरीकी हमेशा हमेशा जारी रहेगी। हमें आवाज उठाना होगा अपने हुकूक मांगने के लिए, अपने हुकूक लेने के लिए, अपने हुकूक तलाश करने के लिए। And everybody is coming to Dhaka, but incentives for the development of rural areas and industries and remote areas to create better standards of living to reduce rural migration to already crowded urban centers. If we compare the glamorous life of the city to the quiet life in the countryside, then we will easily find the answer that why people prefer and want to move from rural areas to the city, especially young people who take life as exciting in the city. Now I would like to draw my audience attention towards those pictures which inspire people to come and settle in the cities. But kis chalne ke daur ko ki bahe watan ke liye jeenge aur watan ke liye marenge waskara. Hey all of us. Inspector sir, education plays a great role in the life of everyone all through the life. Getting proper education is really necessary to get success and happy life, just like food is necessary for our healthy body. Inspector sir, our religion Islam also puts special emphasis to get education. There is a famous hadith from Rabbatil Alameen Prophet Hazrat Muhammad SAW, getting knowledge is the duty of every Muslim man and woman. Daiwadasi ilakade. سدالتہ دجون د تیرولو یو سہولات ہم نشتا کاغا مدرو خبرو کو کاغا د بجلی خبرو کو کاغا د اوبے خبرو کو خطا کے کم تو دجون د تیرولو د بنیادی سہولات دی دجون آہا ہی سم دالتا نشتا خو آغا باوجود دالتا خطا پی ٹیلن شتا دی دیرا د خوشلی او د پاکر خبر دی ننتو کم دالتا سپیچ کمپیٹیشن وٹو چمکنی خدمت خلق یونین تو کم ارکین دی کم پریزیڈنٹ دے کم کابینہ دے اگوی ارینج کرے ہو حالانکہ دا کار دو دے دا کار دو مو دے دا کار دو اسحاق سیف دے دا کار دو شکور سیف دے دا کار دو اشور سیف دے حالانکہ دا مو دا کار دیو وکلو شدیو تا شابشای پیش کام ہو خیراج تحصیل ہو تا پیش کام ہو دیو دا بارا تا سکتور کلی پیش کام ہو